ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं, परंतु रूप तीन ही है, सत्य चित्त और आनंद। ठाकुर जी तीन ही रूप, पहला स्वरूप है ठाकुर जी का सत्य। सत्य स्वरूप क्यों है इसके अनेक भाव हैं, लेकिन मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज की भावना से यदि मुझसे पूछा जाए तो सत्य स्वरूप ठाकुर जी इसलिए हैं, संसार के हर व्यक्ति के सन्मुख आप झूठ बोल लोगे, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही झूठ बोलता नहीं, सत्य अपने आप प्रकट होता है। हम भले सामने वालों से कितना भी छुपा लें कि हम क्या क्या करके आए हैं, लेकिन जैसे ही रघुनाथ जी के सन्मुख जाते हैं तो रघुनाथ जी से जाके हाथ जोड़ के गए, हे राम जी आपको सब पता है, मैं कहां से कहां करके आया हूं, मैंने कितने घपलेबाजी करी है, मैंने कौन की चोरी करी है, कौन से ईर्ष्या करी है, कौन से द्वेष किया है, आपको सब पता है नाथ, वो कुछ क्षमा करिए। ठाकुर जी के सन्मुख सत्य प्रकट होता है, संसार के सन्मुख नहीं, और वही सत्य कहां भी प्रकट होता है। अच्छा, प्रकट ना भी हो रहा हो लेकिन हृदय में क्षोभ तो रहता है उस सत्य का। पिता के सामने झूठ बोल जाएगा, पत्नी के सामने झूठ बोल लोगे, बच्चों के सामने झूठ बोलोगे, लेकिन गुरु और भगवान इनके सन्मुख भले सत्य बोलते नहीं हो लेकिन सत्य स्वीकार तो होता है ना, हृदय से आप स्वीकार करते हैं कि नहीं हमने ऐसा किया है, भगवान हमें क्षमा कर, इसलिए वे सत्य स्वरूप है।